नमस्कार बच्चों, आप जोड़ना तो सीख ही गए हैं। प्यारे बच्चों, मेरा गणित पढ़ाने का केवल एक उद्देश्य है, गणित को सरल और रोचक बनाना। चलिए एक नई वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम आपको बार बार जोड़ना, बार बार जोड़कर हम क्या नया प्राप्त करते हैं ये सीखेंगे। देखो, मैंने बोर्ड पर ही कुछ बॉल टाइप के कंचे लगाए हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको? 1 2 3 4 4 4 4 या 1 2 3 3 3 3 3, कितनी लाइनें? तीन तीन की, तीन कंचे चार बार, यानी कि 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3 तो कितना उत्तर आएगा आपका? 12 आएगा ना। 3 4 बार, 3 1 बार, 3 एकम 3, 3 2 बार यानी कि 3 गुणा 2 6 आ गया, 3 3 बार, 3 3 9 आ गया, 3 गुणा 4, 3 4 बार तो कितना आया बच्चों? 12। इस प्रकार से हम बार बार जोड़ने को हम गुणा की विधि से भी कर सकते हैं। ये आप पिछली कक्षा में जान चुके हैं। इसमें देखिए आप, ये कंचे कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कंचे 3 बार, कितना आएगा? 4 1 बार, दूसरी बार में 4 4 और 4 8 यानी कि 4 2 9 8, और तीसरी बार में भी 3 4 यानी कि 4 4 8 और 4 12, 4 गुणा 3 तो इस प्रकार से हमारे 12 उत्तर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 3 गुणा 4 बराबर है 12 और 4 गुणा 3 बराबर है 12। चलिए आपकी गणित की पुस्तक में से देखते हैं। यहाँ देखो, ये त्रिभुजों की लाइन लगाई हुई है, आप अपनी पुस्तक में से निकाल लें और पेज नंबर 55 पे करेंगे। यहाँ पर कितनी त्रिभुजों की लाइन है? 1 2 3, 3 त्रिभुज है ना, और पंक्ति कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 त्रिभुज 7 बार, कितना हो गया बच्चों? लिखेंगे त्रिभुज 3 7 बार, बार 7 तो क्या आएगा? 3 7 बार का 3 गुणा 7, कितना उत्तर आएगा? 3 गुणा 7 21। ये बड़ी आसान गुणा है, आप सभी जानते हैं और आप इसको कर भी सकते हैं। चलिए थोड़ा हम आगे गुणा की तरफ चलते हैं। अब तक आप समझ ही गए हैं कि बार बार जोड़ना को हम गुणा कहते हैं। जैसे हम 12 जमा 12 जमा 12 जमा 12, कितनी बार है 12? 12 4 बार, तो क्या मतलब है इसका? 12 गुणा 4। आप इस गुणा को करें, कैसे करेंगे? ये गुणा का निशान होता है, ये गुणा का सिंबल ऐसे है, आप पिछले कक्षा में सीख ही चुके हैं। तो पहले 4 को 2 से गुणा करेंगे, खुली वस्तुएं जोड़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं ये एक हमारा बंडल है और 4, जैसे देखो ये एक हमारा बंडल है और 2 खुली वस्तुएं और 4 से गुणा, 2 खुली वस्तुएं 4 बार यानी कि 2 2 2 2, तो 2 चौके 8 और बंडल कितने आएंगे? एक बंडल 4 बार यानी कि 4 4 एकम 4, तो इस प्रकार से आपके पास ये 48 आंसर आ गए। चलिए और सवाल देखते हैं हम गुणा के। बार बार जोड़ना, 17 जमा 17 जमा 17 जमा 17 जमा 17 यानी कि 17 कितनी बार हो गया हमका? 17 5 बार, कितनी बार आ गया बच्चों? 17 5 बार, तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको? 17 गुणा 5, आओ गुणा करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है आपने, हमारे पास 7 खुली वस्तुएं हैं, कितनी खुली वस्तुएं बच्चों? 7, तो कैसे करेंगे? 5 बार यानी कि 7 5 बार, 7 7 7 7, तो 7 गुणा 5 कितना आ गया बच्चों? 7 5 35 आ गया ना आपका। अब 35 को कैसे करें इसमें? वही मैंने आपको बताया था कि जब 10 से अधिक वस्तुएं होती हैं तो हमने इस प्रकार के बंडल बना देते हैं। तो ये कितना है? 35 30 और 5 35 होते हैं, तो यहाँ पर 3 बंडल बनेंगे ना, 3 बंडल और 5 खुली वस्तुएं, तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों? 35 का 5 जो खुली वस्तुएं यहाँ पर आएगा, और बंडल कितने बन गए? 3, वो इसमें आगे जुड़ेगा बंडलों में। अब यहाँ पर 1 बंडल 5 बार, तो 5 बार 1 बंडल, 1 2 3 4 5 यानी कि 5 बंडल आ गया, 5 एकम 5 आ गया ना, 5 बंडल, और 3 बंडल यहाँ से आ गए थे हमारे, तो बंडल कितने हो गए आपके? 8। इस प्रकार से आपका उत्तर कितना आ गया? 85 आ गया। चलिए और हम गुणा के सवाल देखते हैं। अब तक आप समझ ही गए हैं कि बार बार जोड़ने को हम गुणा कहते हैं। और देखिए, 27 जमा 27 जमा 27 जमा 27, इसको कैसे करें? 1 2 3 4 यानी कि 27 कितनी बार है? 27 4 बार, क्या मतलब है इसका? 27 गुणा 4, तो करते हैं। यहाँ पर भी वही 2 बंडल और 7 खुली वस्तुएं। अब 7 खुली वस्तुएं 4 बार, 7
सात सात और सात, यानी कि सात 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 और सात, कितना आ गया बच्चों, सात चौके अट्ठाईस, कितना यहाँ पे अट्ठाईस आ गया ना। पर यहाँ पे अट्ठाईस नहीं लिखेंगे बच्चों, मैंने वही आपको पहले बताया था कि अट्ठाईस में पहले हम बंडल बनाएंगे, इस प्रकार के बंडल आपने बनाने। अब अट्ठाईस में कितने बंडल बनेंगे ये तो आप जानते ही हैं, अब तक आप जान चुके हैं, पिछली वीडियो देखी है आपने। जब हम अट्ठाईस के बंडल बनाएंगे तो देखो बीस जमा आठ, बीस के हमारे दो बंडल बनेंगे और आठ खुली वस्तु, तो यहाँ पर खुली वस्तु लिखनी है, खुली वस्तु का अंक है और बंडल बंडलों में जुड़ेगा, आगे जाएगा बंडल नंबर। अब दो बंडल चार बार कितने हो गए, दो चौके आठ और दो बंडल ये आठ दो दस बंडल हो गए। इस प्रकार सत्ताईस के चार गुणा कितने आ गए बच्चों, एक सौ आठ। इसी प्रकार से आप गुणा के अन्य क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो अब चूहा दौड़ के देखते हैं, चूहा कूद, ये चार एक नंबर लगाते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, चूहा चार बार चार कदम कूदता है, कितने कूदता है चार चार बार कूदता है, एक में एक बार में सीधा ही चार छलांग, तो एक चार पे पहुंच गया, एक दो तीन चार, दूसरी बार में कहाँ पहुंचेगा ये चार से, एक दो तीन और चार यहाँ पहुंचेगा आठ, तो सीधा भी कर सकते हैं इसको, चार दूना आठ, फिर चार दिया तीसरी छलांग में कहाँ पहुंचेगा वो, सीधा ही बारह में पहुंचेगा, क्योंकि एक छलांग में चार कूदता है ना, वो चार अंक से कूद जाते हैं, इतनी दूर कूद जाते हैं वो चार, तो एक छलांग में चार पर, दूसरी छलांग में आठ पर, तीसरी छलांग में बारह पर, इस प्रकार से वो चूहा कूद के माध्यम से आप खेल के माध्यम से भी गुणा कर सकते हैं। और देखिए इसमें आपकी बुक में जो उदाहरण दे रखे हैं, देखो ये मेंढक एक छलांग में पांचवें अंक पर कूदता है, कितने अंक पर कूदता है पांचवें अंक पर, तो देखो ये देखा एक से पांच पे आएगा एक छलांग में, दूसरी छलांग में कहाँ जाएगा वो पांच पे आ गया, दूसरी दो बार कूदे ना पांच और पांच दस, दूसरी में दस पर जाएगा, तीसरी में पंद्रह पर जाएगा, चौथी में बीस पर जाएगा। यहाँ से ये पहाड़े की कंसेप्ट है, ये आसान है बड़े, इसमें कोई समस्या नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। इधर बंदर बहुत दूर कूद सकता है ना, बंदर तो दूर कूद जाता है, तो बंदर एक छलांग में नौ पर कूदता है, बताओ दूसरी छलांग में कितने पर जाएगा वो, सोचो जरा दिमाग लगाओ, खुद करना है, पहाड़े पढ़ के कर सकते हैं, एक में नौ पर आप गिनती लिख कर सकते हैं, देखो ऐसे गिनती लिख के एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, नौ एक बार में नौ पे है ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो एक बार में नौ पे आ गया। अगले बार में देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, दूसरी बार में अठारह पे पहुंचेगा, वही आ गया, यानी कि नौ जमा नौ, नौ दूनी अठारह, बार बार जोड़ कर सकते हैं, नौ जमा नौ यानी कि नौ गुणा दो, नौ दूनी अठारह। बच्चों आपने पहाड़े पूरे याद करने अच्छे से, और पहाड़े याद करने के बाद पहाड़ों को समझना है, पहाड़ों को प्रयोग करना है। चलिए हम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल मुश्किल बड़ी बड़ी गुणा के सवाल आपको सीखते हैं इसके द्वारा, कैसे करेंगे आप ये देखिए, छियालीस गुना तीन कैसे करें इसको, यहाँ पर वही कंसेप्ट है आपकी, खुली वस्तुओं की गुणा पहले करेंगे, खुली वस्तुएं कितनी है छः, छः वस्तुएं तीन बार, छः 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 छिया अठारह आएगा। बच्चों यहाँ पे आपने अठारह नहीं लिखना, मैं बहुत बार ये बता चुका हूँ, बार बार मैं बता रहा हूँ कि अठारह आपने ऐसे नहीं, क्यों, क्योंकि अठारह वस्तुएं ज़्यादा होती हैं, और जब भी हमारे पास दस से ज़्यादा वस्तुएं आती हैं तो हम उनका बंडल बनाते हैं, तो यहाँ पर एक बंडल बनेगा और आठ आएंगी खुली वस्तुएं, तो यहाँ पर ये खुली वस्तुओं का स्थान है, तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, खुली वस्तुएं आएंगी आठ आएगा, और एक बंडल तो बंडल में चला जाएगा। अब चार बंडल तीन बार, यानी कि चार चार आठ चार तिया बारह, तो बारह बंडल हो गए ना, और एक बंडल ये, तो यहाँ पर तेरह बंडल हो गए। इस कंसेप्ट को आपने हासिल के कंसेप्ट को ध्यान से समझना है और इसको प्रैक्टिकल प्रयोग में करना है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे एक कापी का मूल्य पंद्रह रुपये है, तो छः कापी का मूल्य ज्ञात करो, सोचो यानी कि पंद्रह छः बार कैसे आया बच्चों, एक कापी का मूल्य कितना है, एक कापी का मूल्य बराबर है पंद्रह रुपये, और छः कापी का मूल्य कितना आएगा बच्चों, सोचो यानी कि पंद्रह छः बार हो गया ना, एक कापी फिर दूसरी कापी फिर तीसरी कापी फिर चौथी कापी, यानी कि एक कापी का मूल्य पंद्रह, दूसरी का पंद्रह, तीसरी का पंद्रह, चौथी का पंद्रह, पांचवी का पंद्रह और छठी का भी पंद्रह, तो यानी कि पंद्रह छः बार, तो क्या करेंगे पंद्रह गुणा छः, आओ करें पंद्रह गुणा छः, उत्तर आ जाएगा आपका। पहले पाँच को छः से गुणा करेंगे, पाँच छः बार, पाँच छः तीस,
30 में तो तीन बंडल पूरे पूरे बनेंगे, और खुली वस्तु कितनी बचेगी? जीरो बचेगी। तो यहाँ जीरो आएगा, और अब बंडल तीन ऊपर चला जाएगा ना, 6 कम 6 और 3 9, 90 आ जाएगा हमारा, 90 रुपये आ गए। 6 का पे कितने के आएंगे बच्चों? 90 रुपये की। आपने एक अंक की गुणा करना सीख ही लिया है, जैसे 12 गुणा 4, इस प्रकार गुणा आप सीधा ही कर सकते हैं, ये हम सीख चुके हैं। अब हम दो अंकों वाले गुणा सीखेंगे, जैसे 22 गुना 12, इसको कैसे करें? यहाँ पर देखने वाली बात है कि दो, पहले दो को गुणा करेंगे, 22 2 बार, यानी कि 22 गुणा 2, तो कितना आएगा? 2 से गुणा कर देंगे इसको, 2 की 2 से गुणा 4, 2 दूनी 4, बिल्कुल आसान है। अब ये एक बंडल है, एक बंडल मतलब 10, अब इस 22 को हम 10 से गुणा करेंगे बच्चों। कितने से गुणा करेंगे? 10 से, क्योंकि एक बंडल है, एक बंडल का मतलब होता है 10, तो 22 गुणा 10 कितना आ गया? 22 को 10 से गुणा करेंगे, जैसे एक, ये देखो पहले 10 की गुणा सीखते हैं हम, 1 नोट 2 नोट 3 नोट, तो 3 नोट में कितने, 1 नोट में 10, 2 में 20, 3 में 30, यानी कि 3 गुणा 10 कितना आया? 30 आया ना, 3 एकम 3 कर दो और आगे सुनने ऐसे कैसे लगा देंगे। अब इसी प्रकार से 5 गुणा 10 कितना आया? कितना आएगा? 10 पंजे 50, 12 भी कर सकते हैं, 5 एकम 5, और ये सुनने, ये 10 100 1000 से गुणा करनी बड़ी आसान है बच्चों, पहले हम यही सीखते हैं। चलो देखते हैं, अब यहाँ पे देखो 22 गुणा 10 कितना आएगा? 22 को 22 एकम 22, और पीछे एक शून्य लगा देंगे, तो ये कितने गुणा गुणा आ गई? 220। तो यहाँ पर लिखेंगे 220। अब इनको क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे, 4 4 और 2 6 और 2, इस प्रकार से हम दो अंकों की संख्या, दो अंकों वाली संख्या की, दो अंकों वाली संख्या से। आओ बच्चों, अब हम इस गुणा को नोटों के माध्यम से करते हैं। देखो मेरे पास 10 कितना है? 1, यानी कि 10 1 बार, तो कितना आ गया? 10 1 बार कितना आ गया? 10 ही आ गया ना, ये देखो 10, अब कितने हो गए? 10 2 बार, 10 और 10, 10 2 बार आ गया ना, यानी कि 10 2 बार, तो कितना आ गया? 10 गुणा 2 कितना आया बच्चों? 20 आया। अगर हम 3 ले लें, देखो ये 3 हो, 10 3 बार है ना, 10 3 बार, यानी कि 10 गुणा 3 कितना आ गया? 30 आ गया। 10 8 बार, बताओगे? बताओगे जरा सोच के देखो, 10 8 बार, 10 1 बार था तो 10 आ गया, 10 2 बार था तो कितना आया? 2 एकम 2 और पीछे 0 लग गई, 3 एकम 3 और पीछे 0 लग गई, अभी 8 बार में 8 की 1 से 8 एकम 8, यानी कि 10 गुणा 8, 8 एकम 8 और पीछे क्या लगेगी? 0 लगेगी। 10 22 बार, यानी कि 10 गुणा 22 कैसे आएगा? 22 एकम 22 और पीछे 0 लगेगी। इस प्रकार से 10 की गुणा करनी बड़ी आसान है, और करेंगे कितना आएगा सोचो? 16 एकम 16, पीछे 0, 160 आएगा, 16 2 160 होते हैं ना, वैसे भी कर सकते हैं। और 80 गुणा 10 कितना आएगा? 80 एकम 80 और पीछे क्या था? 0 लगेगी, 800 आएगा। 40 गुना 10 कितना आएगा? 400। अंकों से आप बड़े अच्छे परिचित हैं, गुणा भी कर सकते हैं आप इस प्रकार की, ये बड़ी सरल गुणा है। चलिए अब 100 के नोट की गुणा करते हैं। 100 का नोट 1 बार, 100 का नोट कितनी बार? 100 का नोट 1 बार, तो 100 1 बार, 100 एकम 100। 100 का नोट 2 बार, तो कितने आएंगे? ये देखो 100 का नोट 2 बार, 200। आपको पता है इतना तो 200 होते हैं, 200 ऐसे लिखते हैं ना, 100 2 बार, तो कैसे किया? 2 एकम 2 और पीछे 2 0 आ गई। 100 का नोट 5 बार, तो 1 पंजे 5 और ये 2 0, ऐसे कैसे? इस प्रकार से हम शून्य गुणा कर सकते हैं। 100 का नोट 8 बार कितना आ गया बच्चों? 8 एकम 8 और 2 0। 100 का नोट 10 बार कितना आ गया? 1000, क्यों? 100 एकम 100 और पीछे 1 0 ही लगेगी। 100 के गुणा, इसमें कन्फ्यूजन होता है ना आपको, कुछ भी नहीं आसान है। 100 को गुणा अंक से और पीछे 0 की गुणा 0 0 लगा देंगे। और देखो 100 गुणा 12 12 एकम 12, फिर 2 0 लग गए पीछे 100 के। इसी प्रकार से 100 गुणा 20 कैसे करेंगे? 20 एकम 20, शून्य कितने लगेंगे? दोनों शून्य 100 के, तो कितना आएगा? 2000। ये बड़ा सरल है। इसी प्रकार से 1000 की गुणा कर सकते हैं। 1000 गुणा 1 बराबर है 1000, 1000 गुणा 2 कितना आएगा? 2 एकम 2 और 3 0,
हजार की गुना अगर हम चार से करें तो 4000, ये गुना बड़ी सरल है, ये आपने करनी है।